आंधी तूफान से घर मकान फसल को भारी नुकसान, लोगों ने क्षतिपूर्ति का किया मांग। सतकोदरिया से यह रिपोर्ट। पूर्णिया के नगर प्रखंड क्षेत्र के सतकोदरिया पंचायत के सभी वार्डों में 19 मई की रात अचानक आई आंधी तूफान ने कोहराम मचाया है। वहीं सतकोदरिया पंचायत के कोला, अलीनगर, ऋषि टोला, मुस्लिम टोला आदि टोलों में कच्ची एवं पक्का युक्त टीन का घर को छत से उड़ाकर थोड़ी दूर में नीचे गिरा दिया गया है। मक्का के फसलों के साथ साथ मूंग एवं सब्जी के फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं सतकोदरिया पंचायत के सरपंच अजाउर रहमान उर्फ पप्पू भाई ने बताया कि इस आंधी से पूरे पंचायत में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें घर एवं फसल को बर्बाद कर दिया है। जिला प्रशासन से अनुरोध है क्षेत्र में हुए क्षति का आकलन कर गृहस्वामी एवं किसानों को क्षतिपूर्ति दिया जाए, जिससे लोगों को सहयोग मिल सके एवं अपने घर को बना सके। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में हुआ है। घर टूट गया, लेकिन कैसे रहेंगे घर में? कैसे घर टूटा? अंधर में, शाम में जो अंधर आया था कल। हाँ, वही अंधर में। तो आप लोग इसमें कौन सब थे? सब परिवार रहते हैं ही घर में। तो अंधर आया और छत उड़ा लिया। हाँ। कितना का क्षति हुआ होगा? कम से कम देखिए ना कितने हुआ है। तो लमसम बताइए कितना का नुकसान है? 20,000 का क्षति। 20,000 का? क्या मांग है सरकार से? क्षतिपूर्ति देगा। क्षतिपूर्ति देगा। क्या नाम है आपका? मीना देवी। वार्ड नंबर? 7। पंचायत? सतकोदरिया। घर उजड़ गया है। कहा है? आनी में आंधी पत्थर ऐसा आया कि सरपट्टी उजड़ गया। कौन सी का था छत? टीन वाला है। टीन वाला तो उड़ के चला गया। चला गया, कोई पतो नहीं है कहाँ चला गया। और उड़ के कहाँ चला गया ये कोई पता नहीं है। कितना का क्षति हुआ होगा? कितना का क्षति है? कितना क्षति है? 30,000 घर है कि नहीं? 50,000 उसके नीचे घर है कि? क्या मांग करते हैं सरकार से? कि सरकार से क्या चाहते हैं? क्या घर बनाने के लिए चाहते हैं? मुआवजा दे। हाँ। आपका? हाँ। यही ना? हाँ। तो क्या नाम है? छत्ती देवी। वार्ड नंबर? 7। सर आंधी रात में इतना जोर आया ना, जो कि मतलब कि एल्बेस्टर जो यहाँ से उड़ गया उसका पत्ते नगू गया से कहाँ गया, एल्बेस्टर उड़ गया, चूर चूर हो गया। और इसमें ऐसा गरीब आदमी का हाल है जो कि अभी हद से ज़्यादा इतना गरीबी है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सर? घर उजड़ गया, घर का मतलब जो है मुआवजा दे दीजिए। कितना का क्षति हुआ होगा? कितना होगा भाई? 25-30 का भेज। 25-30,000। तो सरकार से मुआवजा की बात करते हैं। हाँ सर। क्या नाम है? महेंद्र मेहता। घर कहाँ है? सतकोदरिया। वार्ड नंबर? 7। हुआ है क्या? हुआ है आंधी आया, घर द्वार गिर गया। और कल क्या आंधी में? हाँ, अल्बिस्टर। क्या हुआ आपका? अल्बिस्टर उड़ा है, टीन उड़ा है। कितना का क्षति हुआ है? कितना का क्षति हुआ है देखिए ना, कितना का क्षति हुआ है आपने बताइएगा। अनुमान बताइए आप। अनुमान बताइए। 50,000 का क्षति हुए, 1,00,000 का क्षति हुए। नहीं देखिए, क्या चाहते हैं सरकार से? क्या मांग? सरकार से मदद चाहते हैं। कुछ मदद देगा तो घर द्वार फिर से बना रहेंगे। तो आप कुछ चाहते हैं कि सरकार कुछ मदद करे? क्या नाम है? गायत्री देवी। घर कहाँ है? सतकोदरिया। क्या हुआ है? एल्बेस्टर उड़ा है। कौन सी, कौन घर था? घर वही थी, दीवार का है घर बनाए। हाँ, दीवार ऊपर में एल्बेस्टर है। पूरा एल्बेस्टर टूट गया। हाँ। कहाँ गया वो एल्बेस्टर? एल्बेस्टर ने वो सब भांग गया। भांग गया। हाँ। कितना का क्षति हुआ होगा? क्षति तो जितना हुआ तो उतना तो नहीं देगा, फिर भी कितना का हुआ है आपको? हुआ है तो की 1,00,000 का। 1,00,000 का। हाँ। क्या चाहते हैं? मदद मांगते हैं और क्या चाहते हैं? सरकार से मदद चाहते हैं। फिर बनाएंगे, कैसे रहेंगे उसके घर में उसे? तो मतलब सरकार मुआवजा दे ताकि घर हम। हाँ, हम बनाएंगे फिर से। सरकार से यही मांग। हाँ। क्या नाम है? अनिता देवी। घर कहाँ? सतकोदरिया। घर और सब उजड़ गया आंधी तूफान में। और कौन सी का घर था? यही टाकटी वाला घर था, टीना वाला, अल्मिस्टर वाला। तो वो उड़ के चला गया? सब उड़ के चला गया और कुछ नहीं रहा। कितना का क्षति हुआ होगा? होगा वही 4-5 घर उजड़ गया है। कितना का क्षति हुआ? क्षति कितना? 2-3,00,000 का होगा। 2-3,00,000 का। क्या मांग करते? क्या मांग करेंगे? मजदूरी करते सरकार, सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से यही चाहते हैं, मैं मदद चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं। क्या नाम है? बशीर। घर कहाँ है? हानी लगा। वार्ड नंबर? 4।
कल रात जो आंधी तूफान हुआ ना तो उसमें सब बहुत तूफान में घर द्वार सब उजड़ गया, टूट फूट गया। अल्बेस्टर का घर टूटा है, दो घर टूटा है। अल्बेस्टर का घर था, अल्बेस्टर का टूट पूरा चूर चूर हो गया, पूरा चूर हो गया। कितना का लागत? वही 20,000 का। 20,000 का जी। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से कि थोड़ा मदद मिल जाए तो हम लोग फिर से बना सकेंगे घर। मुआवजा की मांग करते हैं? थोड़ा सा मुआवजा मिल जाए तो वही मिल के बनाएंगे, बना सकते हैं। क्या नाम है? महबूब आलम। घर कहाँ है? अली नगर 2 नंबर, वार्ड नंबर 2। तूफान में बहुत नुकसान हुआ है सर, हम लोग का घर सब उड़ गया पूरा। कौन सी का घर था? टीना का, ऊपर मतलब छप्पर टीना का था। टीना उड़ के मिला कि नहीं? वो भी चला गया था? चला गया, नहीं मिला। मिला लेकिन अभी उसमें फिर तोड़फोड़ हो गया, अब उसमें मतलब मरम्मत करने के लिए पैसा लगेगा। क्या चाहते हैं? वही सरकार से मतलब मदद चाहते हैं घर बनाने के लिए। कितना का क्षति हुआ होगा? होगा लगभग मतलब टीना लेने के लिए अभी तो मतलब अभी क्षतिपूर्ति में ढेर ही लोग का घर उड़ गया होगा, तो अभी मतलब टीना का भाव ही दाम मतलब ज्यादा हो गया होगा। क्षति हुआ है लगभग 30,000। 30,000 जी। तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि मदद करे तो मतलब घर बनाएंगे दोबारा। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम? मोनिका भारती हांसदा। वार्ड नंबर 3, सतकुदरिया पंचायत। जी, सतकुदरिया पंचायत से। कितना क्षति हुआ है आपके यहाँ इस वार्ड में? इस वार्ड में तो क्षति लगभग सबका हुआ है। क्या सब क्षति हुआ है? मतलब किसी का घर का छप्पर उड़ गया है। अच्छा। किसी का मकई खेत में है वो नहीं ला पाया है, जो कि बारिश से दह गया है। अच्छा। और टीना भी उड़ गया है, ऐसा बहुत है। तो आपके वार्ड में कितने वोटर हैं अभी? वोटर तो समथिंग 650। तो 650 घरों में, सब घरों में हुआ है लगभग सबका? सब घरों में। हाँ, हल्का फुल्का सब तो मतलब 100% 50 आदमी का हुआ है। अब हाँ, घर के विषय में, बाकी अनाज पानी तो सबका हुआ है। तो आपके यहाँ जो इस मामले को लेकर क्या ही सूचना दी है? हाँ, सूचना अपना मुखिया जी को भी दिए हैं, BDO साहब को मुखिया जी के द्वारा दिलवाए हैं। अच्छा। CO साहब को दिलवाए हैं। तो जांच वाँच पे आया है? जांच तो अभी तक ये आए, कर्मचारी भेजे थे। क्या आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला, बोला कि हाँ सरकार की तरफ से दिया जाएगा, मुआवजा मिलेगा। क्या मांग करते हैं? मांग वही करते हैं सरकार से कि अपना जो गांव का वार्ड का जो आदमी सब है उसको सरकार अपने तरफ से जहां तक हो सके मदद करे। क्या नाम है? मोहम्मद साहबुद्दीन, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 4। कैसे हुआ ये? अंधर से हुआ। अंधर से? कब अंधर आया था? कल रात में। क्या सब हुआ? बहुत क्षति हो गया, घर तो उजड़ गया। अंधर आया तो क्या हुआ? आप लोग घरे में थे? मैं घर में था, आ गया तो हम भाग गया। भाग गए? तो आपका बाल बच्चा सब? सब ठीक है अभी तो। सब भाग गया? सब घर से भाग निकल गया। घर जो घर है वो हिलने लगा था? हिलने लगा था पहले। पहले? तो आप लोग को समझ में आ गया कि घर गिरेगा? गिरेगा तो हम लोग भाग गए। भाग गया? तो ये पूरा घर समाप्त खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। कितना का लागत लगा था? क्षति कितना का हुआ होगा? क्षति मतलब 50-60 से होता। 50-60 हज़ार। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग, जो भी देगा तो ले लेंगे। मुआवजा मांगते हैं कि कुछ मिलेगा तो घर बना लेंगे? बना लेंगे, हाँ बना लेंगे। तो आया है किसी को इन्फॉर्मेशन दिए है? हाँ, तो आया था जाँच करने? हाँ, हाँ, आया था। जाँच करके गया है? हाँ, गया है। क्या आश्वासन मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला है, क्या आया था बोला कि आप दे देंगे होगा। हाँ, तो आप भी सरकार से मांग करते मुआवजा मिले? हाँ। क्या नाम है? ठाकुर मंडी। वार्ड नंबर 3, कौन पंचायत? सतकुदरिया। क्या हुआ घर तर सब कुछ उड़ा के? क्यों उड़ गया? कैसे उड़ गया? आंधी तूफान में। आंधी तूफान में जी। तो कितना का लागत से लगा था? यही लमसम 30-35 हज़ार। तो वो सब चीज उड़ के चला गया? हाँ। सरकार से क्या मांग है? क्या मांग है, जो भी मिल जाए सरकार सहायता से। मुआवजा कुछ मांगते हैं ना? हाँ, हाँ। ताकि घर बना सके जी। इसी में परिवार लोग रहता था? इसी में रहते हैं। यही एक आसरा है ना जी। क्या नाम है? गणेश मिस्त्री। वार्ड नंबर 3। क्या हुआ है? देखते हैं घर द्वार सब टूट बन गया है, सब बाल बच्चा लेके यहाँ रोते हैं कानते हैं, क्या कहेंगे? कैसे टूट गया? हवा अंधर में टूट गया। अंधी आया था तो आपका भी घर टूट गया? अंधी आया घर द्वार सब टूट गया। का छत था? नहीं था, टीना था। टीना उड़ के चला गया? टीना कहाँ गया को पतो में नहीं चलता है। तो आपका बाल बच्चा सब इसी में था? इसी में गुजर काटे किसी ढंग से, पन्नी तनी झाप तोप के गुजर काट लिया रात भर। रात भर रहे? हाँ। कितना का क्षति हुआ है? हुआ तो
बहुत टका का क्षति हुआ है, लिविस्टर सब भंग गया, उसनी सब भंग गया, सब खत्म हो गया, माल माल जाल कितना कितना 50,000 के ऊपर से गया है। 50,000 तब क्या क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हमको बढ़िया सुखी से बना दे घर द्वार, जितना सामान का छियानत हुआ उतना सामान हमको आजीब आनंद दे, तो बहुत अच्छी का बात है। गरीब को छमाने की जगह तो कैसे होगा? सरकार से मांग करते हैं ना, तो सरकार से नहीं मांग करते किसे मांग करेंगे? मुआवजा दे आपको, आपको कमाने वाला कोई है कि नहीं? कमाने वाला नहीं है हमको, चलान पर गाड़ी उठ लिए हैं, चलान पर गाड़ी चलाते हैं, वही है। इतने तक कुछ नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम है रेणु देवी। घर कहाँ है? घर है आली नगर में, घर है ससुराल है काली नगर में। यहाँ का कितना नंबर वार्ड है? ये तीन वार्ड है। रात वाला तूफान में घर एल्बेस्टर का घर है उड़ गया, एल्बेस्टर भांग फूट गया, पूरा फट गया, पूरा फट गया, चूर चूर हो गया। उसी में परिवार लेके रहे थे? हाँ उसी में रहे थे, सब निकल के दूसरा रूम में गए तो वहाँ भी चिन्ना जो है दोनों टा चिरक चिरक के उठ जाता था फिर बैठ जाता था, तो चौकी का तर में घुस गए। तो पूरा दहशत में आपकी जिंदगी कटी है? हाँ पूरा एकदम अथी है, तो पूरा डर गए तो क्या होगा नहीं होगा। कितना का क्षति हुआ है? 40-50,000 का। 40-50,000 का पूरा टीरा उड़ गया, पूरा उड़ गया। तो वो मिला नहीं, कहाँ चला गया? नहीं अभी कहाँ मिला है। क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं अब सरकार का जो है, तो एक बार तो किए तो कुछ नहीं हुआ हस्बैंड का, और फिर इस बार तो पूरा क्षति ही क्षति है, अब सरकार जे करे। सरकार से मुआवजा की बात करते हैं? हाँ। मुआवजा मिले आपको? नहीं मिला है। मुआवजा चाहिए ना? हाँ चाहिए मुआवजा। जांच के लिए कोई आया था? जांच के लिए तो वकील, वार्ड मेंबर और मुखिया ये सब आए थे। हाँ सरपंच। विभाग से कोई आया था? नहीं विभाग से तो कोई नहीं आया, कर्मचारी साहब, कर्मचारी साहब आया था। तो उससे जांच वाच हो गया है? हाँ। तो वही है कि मुआवजा मिले ताकि घर बनाए। क्या नाम है? सुलेखा देवी। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 3। रात में करीबन 6-7 बजे के बीच में इतना आंधी आया, इतना आंधी आया कि कहने की कोई बात ही नहीं है। ये आंधी एक बार पहले आज से 7-8 साल पहले आई थी, और जिसमें राष्ट्रीय आपदा घोषित हुआ था उसी तरह की जो कि रात में आंधी आया था, जो कि पूरे पंचायत में क्षति बहुत ज़्यादा है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। क्या सब क्षति हुआ है? क्षति हुआ है मक्का, उसके बाद घर, अभी उसके बाद सब्जी वाला फसल भी बर्बाद हुआ है, कुछ केला भी बर्बाद हुआ है। तो आपके वार्ड में कितना घर टूटा है या उड़ गया है? लगभग 40-45 घर। 40-45 100% क्षति। लेकर क्या कहीं पे सूचना दिए हैं? हाँ सूचना दिए थे, सीओ साहब को रात में फोन लगाए जिसका स्विच ऑफ था, उसके बाद मैंने मुखिया जी को सूचना दिया, मुखिया जी वीडियो साहब से बात किए, उसके बाद सुबह में फिर सीओ साहब भी फ़ोन किए, सीओ साहब और कर्मचारी साहब को भेजे थे, उसका असिस्टेंट जो है एहसान वो भी आए थे, उसके बाद सीओ साहब से बातचीत हुआ, बोला जो भी होगा हम करेंगे, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या मांग है? मांग यही है जो मुआवजा हो कम से कम, दे गरीब आदमी है उसको जो कि कम से कम फिर अपना से घर द्वार बना के रहे। क्या नाम? मेरा नाम वकील शर्मा। क्या है? वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 3, पंचायत सतकोदरिया। कल आंधी तूफान में कितना % क्षति हुआ है या क्या आपको जानकारी है, आपके सर्वे में क्या निकल के आया है सामने? हम लोग जो दौरा किए हैं पंचायत का सवेरे से, तो 50% जो है ना यहाँ हमारा पंचायत में नुकसान हुआ है। क्या सब हुआ सर? किन्हीं किन्हीं का घर गिर गया है, अब बहुत सा जगह में बहुतों का छप्पर उड़ गया है, वो लोग के यहाँ अभी जो रहने के लिए काफ़ी दिक्कत है। फसल क्षति का क्या? फसल तो मोटा मोटी हम लोगों का क्षेत्र में मोटा मोटी हो चुका था, लेकिन 10% ही यहाँ फसल किन्हीं का फंसा हुआ है, जिसके कारण जो है ना मौसम के आपदा के कारण वो भी रुके हुए हैं। आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर जो सीओ को दिए हैं सूचना, सीओ की तरफ से कोई जांच वाँच आई है? हाँ कर्मचारी के यहाँ से स्टाफ आए थे, उन लोगों को हम लोगों ने सूची दिए हैं, उन लोगों कहे हैं कि देखिए आप आगे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ये जो आंधी तूफान से क्षति है तो पूरे आपके पंचायत, पूरा पंचायत में है कि कोई एक वार्ड या दो वार्ड इससे प्रभावित ज़्यादा? नहीं ये तो हमारा सभी वार्ड में प्रभावित है, 50% हुआ है। 50% जी। क्या नाम है? सुरेंद्र टुड्डू, मुखिया प्रतिनिधि सतकोदरिया पंचायत। शाम को प्राकृतिक आपदा आई थी, तो सुबह से हम सभी जनप्रतिनिधि जो सतकोदरिया पंचायत के अंतर्गत आते हैं, हम सभी मिलकर सतकोदरिया पंचायत के कुल 10 वार्ड हैं, 10 वार्डों का मायना किए, तो यहाँ हर वार्ड में कुछ ही घर ऐसा बचा हुआ है जो कि क्षति नहीं हुआ, जैसे पक्का का मकान जिनका है, तो अगर एल्बेस्टर ऊपर में है तो उनका एल्बेस्टर ख़त्म है, अगर 3 है तो 3 गायब है,
जो फूस वाले हैं उनका तो पूर्ण रूप से क्षति है ही, कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि पेड़ टूट के घर के ऊपर गिर गया है। अभी आप चले जाइए वार्ड नंबर 3 जो संथाली टोला है, यहाँ इतनी क्षति है मिट्टी का घर में, क्योंकि आंधी जो आया था, आंधी के साथ साथ बारिश भी हो रहा था, वहाँ मिट्टी का घर बना हुआ है। मिट्टी का घर ज्यों ज्यों फूला है, वह घर जो गिरा है, तो संजोग यही मानिए कि शाम का समय था, लोग घर के अंदर नहीं थे, जो लोगों के जान बच गया, किसी तरह का हताहत की सूचना अभी तक ना मिली, नहीं हुआ है, जो हम लोग को अभी तक नहीं मिला। इस मामले को लेकर क्या पदाधिकारी से कोई बातचीत हुई है? जी हाँ, सूचना प्रखंड में दिया गया सीओ साहब के द्वारा, वहाँ से जो ग्राम सेवक जो है क्या कहते हैं कर्मचारी साहब हैं, उनके स्टाफ को भेजा भी गया है, यहाँ से वो मुआयना करके गए हैं, जो जो घर क्षति हुआ है उनका लिख के यहाँ से लेके गए हैं, और देखिए आगे क्या होता है। आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, घर उड़ जाना और घर के साथ साथ लोग, किसानों का मेन मुख्य फसल है मक्का, मक्का तो 90% आज के डेट में हम लोग का हो चुका है, 10% जो बचा हुआ आलू का खेत का, उसमें काफ़ी क्षति है। ख़ास तौर पे हम लोगों के इलाके में सब्जी का खेती होता है, आप देख ही रहे हैं कि हर जगह सब्जी लगा हुआ है, और सब्जी का खेती पूर्ण रूपेण क्षति हो चुका है। सरकार से चाहेंगे कि जो गरीबों का मुआवजा उचित हो वह अपने पदाधिकारी को भेज के सही से सर्वे करा ले, जो उचित मुआवजा है वह सभी लोगों तक पहुंचाने का काम करे। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अजाउर रहमान उर्फ पप्पू, सरपंच सतकुदरिया, सह अध्यक्ष के नगर। अभी जो है 2 दिन पहले आपदा आई थी राज्य में, तो उसमें बहुत सारे घर और फसल को क्षति हुई है, इस मामले में क्या जानकारी है? इस मामले में जो संबंधित विभाग हैं, जैसे कि फसल क्षतिपूर्ति के लिए प्रखंड कृषि कार्यालय जो है उनके सभी किसान सलाहकार के माध्यम से इसका सर्वे करके रिपोर्ट करने को कहा गया है। बाकी जो घर का क्षति हुआ है तो अंचल कार्यालय के माध्यम से जो कर्मचारी हैं वो क्षेत्र जाके इसका प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं, और प्रतिवेदन तैयार होने के उपरांत जो सरकार का नियमावली है आपदा प्रबंधन विभाग का, वो सरकारी विभाग का, तो अंचल कार्यालय से उसका निष्पादन किया जाएगा। 19 तारीख को संध्या जो आंधी तूफान आया उसमें मुख्य रूप से दक्षिणी बेल्ट प्रभावित हुआ, उसमें सतकोदरिया पंचायत, गुआसी पंचायत, गंगेली पंचायत, रहुआ पंचायत, मजरा एवं सहारा पंचायत प्रभावित हुआ है विशेष रूप से, जहाँ की सर्वेक्षण जो है घर घर जा कर के वहाँ संबंधित कर्मचारी कर रहे हैं। 2 पंचायत का तो बन भी गया सूची, सहारा सतकोदरिया का, जैसे ही लिस्ट फाइनल होगा उसको हम वहाँ के जनप्रतिनिधि से भी अनुशंसित करवा के उसको राहत दिया जाएगा। उधर नरसिंहपुर में भी हुआ है सर, आंशिक रूप से 5-6 बार में। हाँ, संज्ञान में आया है, उनको भी हम कल ही दिखवा लेंगे। फसल के लिए जो लोगों का सर्वा है वो क्या कर सकते हैं? वो BAO साहब जो हैं और कृषि सलाहकार जो आते हैं वो हर पंचायत में हैं, उनके द्वारा सर्वेक्षित किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, उसका संकलित कर प्रतिवेदन भेजा जाएगा। क्या परिचय? अशोक कुमार सिंह, अंचल अधिकारी के द्वारा।